दोस्तों, आप जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि उनकी चिमनियां बहुत चौड़ी होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इस वीडियो से इसके बारे में जानते हैं। यदि आप ऊपर वीडियो में दिख रही बहुत चौड़े मुंह वाली ऊंची चिमनियों की बात कर रहे हैं तो ये चिमनियां नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते हैं, लेकिन सारी गर्मी का उपयोग नहीं कर पाते। न्यूक्लियर पावर प्लांट में उत्पन्न ऊष्मा का लगभग आधा भाग अप्रयुक्त रह जाता है, लेकिन प्लांट को पिघलने से बचाने के लिए अतिरिक्त उष्मा को रिलीज करना जरूरी हो जाता है। वे इस अतिरिक्त उष्मा का प्रयोग पानी को उबाल कर करते हैं। इससे निकलने वाले धुएं जैसी घनी भाप धुएं जितनी खतरनाक नहीं होती। हर न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास पानी का कोई बड़ा स्रोत होता है, लेकिन यदि ऐसा कोई स्रोत ना हो तो ऐसी विशाल चिमनियां बनाई जाती है। बहुत सारे पानी को इनमें भरकर प्लांट में उत्पन्न ऊष्मा से खौलाया जाता है और ये चिमनियां धुआं या रेडिएशन नहीं निकालती। इन्हें इतना विशाल इसलिए बनाया जाता है कि ऊपर उड़ती भाप ठंडी होते होते वापस चिमनियों में ही गिर जाए, ताकि पानी की बचत हो। इस बचे हुए पानी का मशीनों और टर्बाइनों में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन प्लांट में इतने अधिक पानी का उपयोग होता है कि इसे फिर से प्रोसेस करके दोबारा उपयोग में लेना सस्ता पड़ता है। पावर प्लांट के आसपास के वातावरण और मशीनरी को भी इस भाप की गर्मी से बचाने के लिए चिमनियों को बहुत ऊंचा बनाना जरूरी होता है। जिन प्लांट में कोयले का प्रयोग किया जाता है, वहां धुएं को रिलीज करने के लिए एक लंबी पतली चिमनी अलग दिखाई देती है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट की चिमनियों को चौड़ा बनाया जाता है। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।